ये जो बाढ़ आपके खलोते होते हैं गार्ड ये आपकी बात मानती है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मैं उजड़ खंबे के साथ अपनी साइकिल खिलाड़ के आया हूँ। अच्छा, मैंने उसको कहा तो था कि ध्यान रखना, कहते थे अंदर साइकिल नहीं जा सकती, फिर मैं खंबे के साथ बांध दिया, मैंने लॉक कर दी, संगली लगाई हुई है। अच्छा, तो कहते ये बड़ी मर्सिडीज है जड़ी चोरी हो जानी है। मैं कह मर्सिडीज आजकल कौन चोरी कर दी, वो तो पेट्रोल नल चल दी है। चोर ने मर्सिडीज चोरी करके थे अपने गल स्यापा पाना है। ये साइकिल है ये पेट्रोल के बगैर चलती है, अब इसकी है डिमांड। मैं भी मैं जाता हूँ ना साइकिल पे फैक्ट्री, तो रोज उधर रोज आके तो हाजी साहब कलपड़े होते हैं, अपने बेटे को भी कहते हैं बंद करो गड्डियां छड़ियां, जितना पेट्रोल का खर्चा हो गया, पेट्रोल कहते हैं बहुत महंगा हो गया। जब मैं साइकिल पे आता जाता हूँ ना तो मैं हंसड़ा होता हूँ। अच्छा? तो हाजी साहब कहते हैं तेड़ियों की मौजा लगी हुई है, बगैर पेट्रोल नहीं पड़ जाना है कार। तो बाबा बाबा पेट्रोल हम तो इस्तेमाल भी नहीं करते, फिर भी सब्जी भी लेन जाओ ते महंगी, क्यों महंगी है जी, पेट्रोल महंगा हो गया। अच्छी क्या हम तो इस्तेमाल ही नहीं करते, जेड़े इस्तेमाल करते हैं हाजी साहब उन्होंने दियो 400 रुपये किलो। अभी अभी तो अगर अम्मा कहती है ना कि तुम थक जाते हो 5-6 किलोमीटर साइकिल चला के, तो पुत्र तुम चिंची पे चले जाया करो, 50 रुपये लेते अब चिंची एक तरफ के। तो मैंने कहा अम्मा मैं अपनी दिहाड़ी में से 100 रुपया चिंची को दे दूं, ते फिर बाकी बचे कुछ नहीं, रोटी की तो पकनी है। हर बंदा बेचारा जेड़ा 2 डंग की रोटी खाता था उन्हें 2 डंग की भी नहीं लभदी, जेड़ा बेचारा 4 रोटियां खांदा सी उन्हें अद्धी नहीं पी लभदी। पहलवान जी आपके घर भी रोटी अब थोड़ी पकती है, ते होर की साडे अल मंगाई नहीं हुई, लगते नेड़े ही और बहुत सीनियर ऑफिसर है ये, अगर किसी सड़क पे गन्ने की भरी ट्राली उलट जाए ना तो ये अपनी कमर पे पलिया उठा उठा के हटाता है, इसके बगैर ट्रैफिक नहीं चलती। हाँ जी, सब तो पहले अपना कोट ला के सलंसर ते टांग दे ते फिर परी चोक दे। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, ये जो कड़े कड़ोस कड़ोस यही है महंगाई आपकी वजह से हो गई है। क्या कह रहे हो तुम, क्या कह रहे हो? ये जो कहती है महंगाई बड़ी हो गई है, ये आप अफसर हैं? अफसर हूँ, अफसर हूँ, अफसर हूँ। आप खुद खुद मैं और कौन, अफसर वाले कपड़े नहीं पहने हुए मैंने? आपको आपको दफ्तर नहीं मिला हुआ तो पे बैठते हैं। इनके दफ्तर में एसी लगा हुआ है? हाँ, एसी भी लगा हुआ है यार, मुझे तो लग जाए दफ्तर च तंदूर लगा है। और जाहिल आदमी सही जेन्युइन ऑफिसर हूं मैं। जब मुझे तनख्वाह मिलती है ना तो मेरे से वोचर पे साइन करवाते हैं। तो वोचर ते साइन दी केड़ी गाल होते, बकड़ मंडियों बकड़ा लिए थे फिर भी वो चढ़ते साइन करा दिए। यार तुमने कभी उनका ऑफिस देखा है जाके? किधर है उनका? खुले आसमान तले दरख्त के नीचे उनका ऑफिस है, एक तरफ नाई बैठता है एक तरफ इनका दफ्तर है, पूरी मेज पूरी कुर्सी इनको मिली हुई है। तो अगर नाई अफसर को कहे कि जा दौड़ के उठो पानी दी कोली पाड़ के ले आ, तो अफसर जाता है? तो जाता हूँ, सरकार से तनखा नहीं लेता, पूरी ड्यूटी करता हूँ मैं, हराम नहीं खाता मैं। 8-10 घंटे मुसलसल ड्यूटी करते हैं ऑफिसर साहब जो है, खुले आसमान के इस दरख्त के नीचे बैठ के सारा दिन फरियादी शिकायतें करते हैं। अगर फिर ये इतना बड़ा ऑफिसर है कि पानी की कोली भी पाड़ के ले आता है,
तो फिर इसको पूछो ये महंगाई क्यों नहीं कटा रहे, क्यों जी बताएं आप प्राइसेस क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे सर। देखें ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। फिनोमेना जब आप दरख्त के नीचे दफ्तर में बैठे होते हैं तो कबाब के ऊपर फिनोमेना करते हैं। तो वो तो जानवर है, जानवर है, उसको क्या पता कि नीचे अफसर बैठा है या फीका बैठा है। क्या करूं, लड़ाई हो जाएगी इसके साथ। हाँ। अफसर है ये, अफसर है यार, ये वाला, ये वाला, ये ही वाला। तो फिर ये अफसर है तो फिर लोग बाधुएं तो दे रहे हैं ना महंगाई की वजह से। वो जो हाजी साहब है ना उनके पास उनकी फैक्ट्री में 18 बंदे और निकाल दिए उन्होंने। अम्मा रोज कहती है, अम्मा कहती है रोज ही मेरी जान निकली होंगी है कि मेरे फीके नु भी ना काट देन किधड़े। तो हाजी साहब कहते हैं जितनी महंगाई हो गई है तो हर चीज लेबर भी महंगी होती जा रही है और सारिया चीजा भी महंगिया हो गई है, बिजली के बिल भी, पेट्रोल भी महंगा, हर चीज महंगी, गैस भी महंगी हो गई है। तो फिर फैक्ट्री चलाना तो वक्त ही बन गया है। तो फिर वो बंदे निकाल देते हैं। तो वो जो 18 बंदे निकाले है ना उनमें चीची उड़ा बावी सी बेचारा, तो उसको निकालिया तो उसको कार जाके हार्ट अटैक हो गया। अब वो बेचारे रोते रहते हैं, कहते ने जेड़ा थोड़ा बहुत आंदा सी वो भी बंद हो गया। चीची उड़ी बेचारे कहते ने कहते रोटी खाना भी रह गए। वो बेचारे कहते हैं कि पता नहीं कदों इस अजाब को महंगाई को जान छुटनी है ते ऐसी रोटी खानी शुरू करनी है। ये जब रोटी खानी शुरू करे ना तो मुझे बताना, मैंने भी खानी है। चलो इधर तो अफसर भी भूखे बैठे हुए।